बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अक्सर यानी कि सबसे ज़्यादा मुझसे वो सवाल आता है कि सर, कस्टमर शिकायत कर रहे हैं, बल्कि व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में आता है कि जी रोटी टूट रही है, कस्टमर शिकायत कर रहे हैं, आटा बारीक नहीं हो रहा है। ये बुनियादी सवाल है, हर आटा चक्की वाले को इस टॉपिक के ऊपर जो है मालूम चाहिए होती है। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने शुरू में भी मैंने मतलब कि ये बताया है, शुरू की जो वीडियोस है ना उसमें भी मैंने ये बताया है कि देखिए, एक तो आप सबसे पहले अपने चक्कर पूरे करें। आटा चक्की डीजल इंजन पे चल रही है, आटा चक्की मोटर पे चल रही है, आटा चक्की सोलर पे चल रही है, जिस चीज़ पे भी चल रही है, आप अपने चक्कर पूरे करें। चक्कर पूरे कितने करने हैं? कम से कम आपके चक्कर 4500 होने चाहिए, 4600 होने चाहिए, 4700 होने चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर 4400 लास्ट है, यानी 4500-4400 लास्ट है। इससे कम चक्कर में आटा चक्की ना चलाएं। और ये कौन सी आटा चक्कियों की बात कर रहा हूँ? 45 नंबर, 3750, 50 नंबर, 55 नंबर, 45 नंबर, 4550, 4555, 45 और 3745। ये जो आटा चक्कियाँ हैं, इनके चक्कर 4500 से कम हरगिज नहीं होने चाहिए। अगर चक्की इससे छोटी है तो वो तो इससे ज़्यादा चक्कर मांगती है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मोटर पे लोड बढ़ जाता है चक्कर से, और मोटर से मतलब बिल ज़्यादा आएगा, ये सारी चीज़ें वो मतलब इस तरह कहते हैं। अल्लाह के बंदे, जब आपके चक्कर 4500 हो जाते हैं तो दो चीज़ें आपको बेनिफिट आता है, दो चीज़ों का फौरन। एक तो आपकी हवा पूरी हो जाती है, आपके आरपीएम पूरे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो चीज़ भी चक्की के अंदर आती है ना, चक्की उसको फौरन रगड़ के पीस देती है। वो हवा के प्रेशर से और आरपीएम की ज़्यादा होने की वजह से वो फौरन बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। अब जितनी देर आटा अंदर घूमेगा, यानी पिसाई के दौरान जितना टाइम लगेगा, उतना आपका आटा जलेगा, और आटा जलने के साथ साथ आटे के अंदर जो एक कुदरती मिनरल केमिकल होता है जिसको हम ग्लूटिन कहते हैं, वो भी साथ में जल जाता है। जब वो जल जाता है तो उस सूरत के अंदर आपके आटे के अंदर वो केमिकल नहीं रहता जिसको हम कुदरती प्लास्टिक कह लें, जो आटे को जोड़ता है आपस में, जो रोटी को टूटने से बचाता है, जो रोटी को नरम रखता है, जो रोटी के अंदर सख्ती या सूखने जैसी अवामिल को नहीं आने देता, वो केमिकल आपका ज़ाय हो जाता है। जब आप फौरन पीसते हैं, आटा गर्म नहीं होता, उसमें आटा ज़्यादा देर घूमता नहीं है, तो उस सूरत के अंदर वो आपका केमिकल बच जाता है, आपका आटा जलने से बच जाता है, तो फिर उसके बदले में आपकी रोटी ना सूखती है, ना टूटती है, और ना आपके आटे का वजन कम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप बुनियादी तौर पर जहन में रखें कि आपके आरपीएम पूरे होने चाहिए 4500-4600। अच्छा, 4500-4600 आरपीएम में क्यों कह रहा होता हूँ, क्या आरपीएम पूरे करें, आरपीएम पूरे करें, उसकी एक वजह आपको बता देता हूँ। आमतौर पर जो है ना, पुरानी चक्कियाँ, डीजल इंजन वाली चक्कियाँ या बिजली वाली चक्कियाँ भी, जितनी जो लोग 4000 से कम चक्करों पे चला रहे हैं, उनके आटे के अंदर ये शिकायत आती है। नई चक्कियाँ जो 4000 से 5000 के दरमियान चल रही हैं, उनके अंदर शिकायत कम होती है। अब हमने शुरू के अंदर मिस्त्रियों के चक्कर में 3800-4000 चक्करों का चक्कियाँ चलाई, फिर उसके बाद मिस्त्रियों को खुद को इतना पता था कि यार ये इतने में आटा बनता है, बस ठीक है। जब हमने चक्कियाँ चलाई तो ये शिकायत आना शुरू हो गई, फिर हमने ट्रैक्टर पर, डीजल इंजन पर ये सारे तजर्बे किए, तो आटे के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती, आटा मोटा निकलता है, आटा बारीक नहीं होता, आटे के अंदर सॉफ्टनेस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद तजर्बा हुआ कि भाई 4000 तक जो भी चक्कर वाली आटा चक्की है, उसके आटे के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो हमें नरम रोटी के लिए चाहिए, जो हमें मजबूत रोटी के लिए चाहिए, मजबूत से मुराद टूटे ना, और वो रोटी जो सूखती ना हो। वो सारी शिकायतें इसी वजह से आती हैं कि आटे की क्वालिटी उस वक्त ख़राब होती है जब आपके आरपीएम पूरे नहीं होते, गंदम ज़्यादा देर अंदर घूमती है, जिसकी वजह से ग्लूटिन ज़ाय हो जाती है, मिनरल ज़ाय हो जाते हैं, उस सूरत में फिर आपकी रोटी के अंदर वो बात नहीं रहती जो होनी चाहिए, और जो एक कुदरती गिजाई या कुदरती अवामिल जो उसमें होते हैं उनके बावजूद वो होनी चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर वाले कुदरती मिनरल्स जो हैं उसके ज़ाय हो गए, तो रोटी भी आपकी किसी काम की नहीं होती। फिर जब हमने इनके आरपीएम को बढ़ाकर चेक करना शुरू किया, कभी 14 की पुली लगाई, कभी 15 की लगाई, कभी 16 की लगाई, फिर चक्की की पुलियों को ऊपर नीचे किया, मोटर की पुलियों को ऊपर नीचे किया, आरपीएम ऊपर नीचे किए, तो फिर ये अंदाज़ा हुआ
कि असल मसला तो ये है कि आटा अगर पीसना है तो अच्छे खासे आरपीएम पर पीसा जाए। जब आप अच्छे खासे आरपीएम पर पीसेंगे, आटा अंदर से नहीं जलेगा, गर्म नहीं होगा, फौरन बाहर आएगा, तो ही उसकी कुदरती मिनरल्स उसके ज़ाया होने से बचेंगे। बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि पत्थर वाली आटा चक्की है, वो चल रही होती 260 से लेकर 300 आरपीएम पर। अब 260 और 300 आरपीएम के अंदर जब आटा चक्की पत्थर वाली चलती है और उसकी जो जिसको हम ये कह लें कि पत्थर की जो झिरियाँ होती हैं सराइकी या पंजाबी में उसको होड़ भी कहते हैं, जब होड़ उसकी बरकरार होती है तो वो आटा गर्म नहीं होता। जब तक वो आटा गर्म नहीं होता उसकी रोटी बेहतरीन बनती है, और अगर उसकी होड़ या उसकी झिरियाँ ख़त्म हो जाएं तो उसकी रोटी पत्थर वाली आटा चक्की की रोटी भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो उसकी रोटी टूटती भी है, सूखती भी है, और वो रोटी सख्त भी होती है पकने के बाद। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जिस आटा चक्की का आटा गर्म होकर निकलेगा वो आटा चक्की अपनी रोटी यानी उस आटा चक्की की जो आटे की रोटी है वो टूटेगी भी सही, सूखेगी भी सही, और वो खाने के काबिल भी नहीं होगी, कस्टमर शिकायत भी करेगा। तो जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना मुमकिन हो सके, आटा चक्की से जो आटा निकल रहा है वो गर्म ना हो। जितना आटा ठंडा निकलेगा उतनी आपकी रोटी बेहतरीन निकलेगी। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना। अब आटे को गर्म होने से बचाना है तो फिर उसका हल यही है कि आपकी आटा चक्की के आरपीएम ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब जब आप 3800 से 4000 चक्कर में चलाएंगे, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ और इस बात को आप तजर्बा कर लें आज के लिए। अगर आपकी आटा चक्की के चक्कर 4000 हैं, जैसे ही आप आटा चक्की चलाएंगे, चाल खोलेंगे, तो आपके 200 आरपीएम वहाँ से गायब हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि जैसे ही चक्की पर लोड पड़ेगा, मोटर पर लोड पड़ेगा, 200 आरपीएम वहाँ से आपके ख़त्म हो जाएंगे और वो आ जाएगी 3800 के ऊपर। अब जब आप चाल खोल के आटा बाहर निकालेंगे तो आटा गर्म निकलेगा। दूसरा ये है कि आपकी एवरेज जो है ना वो उसमें कम हो जाएगी। वही आटा चक्की आप तजर्बा कर लें, जिसको इस बात पे इस तजर्बे पे यकीन ना आए ना वो आज तजर्बा कर लें। वही आटा चक्की आप 4500 4600 4800 आरपीएम पे चलाएं, अपनी पुली को एक दिन के लिए तब्दील करें, उसके बाद उसको चलाएं। एक तो आपकी एवरेज फौरन मैच कर जाएगी, यानी कि फ़र्ज़ करें आप पहले 6 घंटा पीस रहे थे 4550 की आटा चक्की पर, 20 या 25 की मोटर पर, जैसे ही आप आरपीएम पूरे करेंगे आपकी एवरेज 6 से 8 पे चली जाएगी, 6 से 9 पे चली जाएगी। पहली बात तो ये है कि आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि आप महसूस करेंगे, खुद आटे को हाथ लगा के महसूस करेंगे कि पहले वाला जो आटा है बेशक वो बारीक है लेकिन वो सॉफ्ट नहीं है। जैसे आप उसमें हाथ डालेंगे वो आटा दबा हुआ होगा, वजन टाइप वजनी चीज़ और या बल्कि ठोस टाइप का नज़र आएगा। ये वाला जो आटा है आपका 4600-4800 आरपीएम वाला जो आटा है, जब आप इसमें हाथ डालेंगे तो ये आपको सॉफ्ट महसूस होगा, रुई की तरह, ठीक है, वो आपको रुई की तरह महसूस होगा। दूसरा ये कि जैसे ही आप आटा चक्की से निकाल कर तोड़े में डालते हैं, अगर आप देखें कि आटा प्लेन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आटा मोटा है। अगर आटा आपको छोटे छोटे रोड़ियों की तरह नज़र आया, छोटे छोटे पत्थरों की तरह नज़र आ रहा है, कि यानी आटा आपका निकलने के बाद जो चिपकना शुरू हो जाए आटा आटे के साथ, तो आप ये समझ लें कि आटा बारीक है, ठीक है। उसमें आप हाथ डालें, अगर वो आटा सॉफ्ट निकलेगा तो फिर आप ये भी जहन में रखें कि इसकी रोटी भी बेहतरीन निकलेगी। अगर वो आटा आपका सॉफ्ट नहीं निकलेगा तो रोटी भी बेहतरीन नहीं निकलेगी, कस्टमर आपको शिकायत करेगा। अब आते हैं हम तीसरी बात की तरफ कि लोग कहते हैं जी अगर हम इतने आरपीएम में चलाएंगे तो ज़ाहिर बात है जनाब हमारी मोटर पे इंजन पे लोड पड़ेगा। देखें जी लोड वाकई पड़ता होगा, लेकिन जब आप चक्की की चाल खोलते हैं तो आपकी चक्की पर लोड पड़ता है, आपके इंजन पर आपके मोटर पर लोड पड़ता है, और वही लोड अगर आप आरपीएम पूरे करके उसमें पहले से डाल लेते हैं चक्की के अंदर, आप चाल जब खोलेंगे तो वो लोड नहीं आएगा, यानी इजाफी लोड उसमें नहीं आएगा, वही की वही चीज़ चलती रहेगी। बल्कि जिनकी मोटरें हैं, जिनकी बिजली है, जिनकी वापटा है, वो अपने बिल के अंदर चेक कर सकते हैं, जब बिल आएगा तो उनका लोड कम आएगा पहले से, यानी पहले अगर वो 15-16 किलोवाट पे चला रहे थे तो जब ज़्यादा आरपीएम पे चलाएंगे तो उनका वो 14 या 13 किलोवाट तक आ जाएगा। उसकी एक वजह ये होती है वही चाल हम खोलते हैं, वही हम चक्कर खोलते हैं, लेकिन ज़्यादा चक्कर की वजह से आटा बाहर निकल जाता है और कम चक्करों की वजह से वो अंदर रहकर घूमता है। जो अंदर रहकर घूमता है वो मोटर के ऊपर लोड डालता है, जो बाहर निकल जाता है उससे चक्की और मोटर बिजी हो जाती है, लोड ख़त्म हो जाता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, कस्टमर की शिकायत दूर करने का एक यही तरीका है, आप आरपीएम 4500 से ऊपर रखें,
ठीक है, और पुलियाँ हमेशा साफ सुथरी लगाएं, बेल्ट हमेशा अच्छी कंपनी के लगाएं, जाली हमेशा अच्छी कंपनी के लगाएं यानी सरदार की जाली लगाएं, और नंबर हमेशा ऊपर के लगाएं, ठीक है। उसके लिए आपको अगर ऊपर के नंबरों पे आपका आटा मोटा निकलता है तो अपने जो ब्लेड हैं या एल हैं वो नए लगाएं, उनकी मेंटेनेंस को हमेशा चेक करें, उनके मुँह हमेशा शार्प रखें, तेज धार रखें, ताकि बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिले। जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो कस्टमर भी आपसे दुगना खुश होगा और आपकी बचत में भी इजाफा होगा। जब कस्टमर खुश होगा तो आपकी बचत में भी इजाफा होगा, आप जितने पैसे मांगेंगे वो आपको देगा। जब आटा अच्छा नहीं होगा तो वो भी बेदिली से आपको वो पैसे दे के जाएगा जिससे आप भी जो खुश नहीं होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।